हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दोस्तों जिस इंडिया में हम रहते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों हमें सब तरह की स्वतंत्रता है, और प्लीज इस भारत माता की धरती की, जिस धरती पर हम पैदा हुए, उसके लिए जरूर सोचिएगा। स्वच्छता भारत अभियान, लोगों की मदद करना प्लीज जरूर रखिएगा, ताकि हमारा देश सुदृढ़ बने और हम लोगों के लिए काम कर पाए। यही एक भावना और जुनून के साथ जरूर काम कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगेन विश यू वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस। और दोस्तों अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा, और अभी जो हमारी साइड है आपको पता है www.deepakgagran.com, दोस्तों वहां पर सीजी टेक का कॉल पोस्ट किया था। 8% वो कॉल एक ही दिन में आप हो गया। अभी अभी मैं और भी कॉल वहां पोस्ट करूंगा, आप रेगुलरली बस साइट को बुकमार्क कीजिए, ताकि इजी गोइंग में आप वहां पर जाकर देख सके दोस्तों, ठीक है। और आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो एमफेसिया, आपने सुना होगा, एक आईटी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है। और इस कंपनी के पहले फंडामेंटल डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा अपना टाइम को थोड़ा सा दीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा ना, मजा आएगा किसी भी चीज को समझने में दोस्तों। दोस्तों जो टर्नओवर है, सॉरी मार्केट कैप है, वो है मतलब लगभग 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू है इसकी 287, और जो कि मतलब अगर मल्टीपल में ट्रेड करूं तो वो 3.6 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए मिलता है बुक वैल्यू से, ठीक है। तो और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मतलब एवरी ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2016 में इनका प्रॉफिट 631 करोड़ था, 2017 में 780 करोड़ के आसपास था, और 2018 में इनका करोड़ 837 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इनमें जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है, आप समझ लीजिए मोर देन 50% है, ज्यादा नहीं है बट है, और पब्लिक जो होल्डिंग है वो 48% के आसपास है, जिसमें FII, DII, नॉन इंस्टीट्यूशनल और भी जितने सारे सेक्टर्स आते हैं। बट अब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये स्टॉक है ना, आपको एक अच्छी खासी रेंज में, और रेंज तोड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। अगर रेंज है 10,150 के आसपास अगर ये तोड़ता है ना, देन द स्टॉक विल शूट अप टिल द लेवल ऑफ 1200 रुपीज, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, इवन 1200-1250 के आसपास आपको जाते हुए मिलता है, बट एक रेंज है, रेंज को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हमेशा जब रेंज ब्रेचती है तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, और ब्रेकआउट होने के बाद में आपको पता होगा कि स्टॉक बहुत रॉकेट की तरह भागते हुए आपने कितने सारे स्टॉक देखे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से घूमता हुआ मिले, मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर ये 1150 के ऊपर मिलेगा, देन यू विल थिंक तो स्टॉक विल मूव टिल 1200, टिल 1230, 1250, बट इसका स्टॉप लॉस और इसका टारगेट मैं अभी थोड़ी देर बाद अपनी वेबसाइट deepakgagrani.com पर पोस्ट कर दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट कीगी कि जितने ज्यादा लोगों को आप अगर वो साइट को भेज सके तो भेज दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देश सेवा या फिर मानवता की सेवा, वो हम कोशिश कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज हर आदमी को मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो फ्री में मिलना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज मिले, बट जो मिल रहा है उसका सदुपयोग उठाइए, उसका फायदा उठाइए, और प्लीज हेल्प कीजिए उन लोगों की भी जो आपके साथ जुड़े हुए, चाहे वो आपके परिवार के हैं, आपके मित्र हैं, यार हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, हम जो कॉल देते हैं वो 90% से ऊपर सक्सेस होते हैं, तो आप जरूर हेल्प कर सकते हैं अपने उन परिवार के लोगों को, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये सब कोई फोर्सफुली नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि अगर आप किसी हायर चार्जेस पेइंग कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आप चार्जेस दे रहे हैं बट आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो देन आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ स्विच होइए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आपकी डेली की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल के अकाउंटिंग, वी विल गिव यू अ कॉल सो दैट यू कैन डू ट्रेड अकॉर्डिंग टू कॉल्स, ओके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। वंस अगेन वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंदुस्तान पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। किसी धर्म और प्रजातंत्र को छोड़ के, धर्म या धर्म निरपेक्ष या जो भी बोलते हैं, अलग अलग धर्मों की बात न करते हुए हम ये कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हमारा एका बना रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।